नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास शो। चुनाव के इस दौर में मध्य प्रदेश में 3 दौर का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण के दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम उज्जैन की जनता के बीच हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ मेहमान भी। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संवर पटेल जी, इनका स्वागत करिए तालियों से। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर जी, ज्ञानदास जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी इस शो में। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी, कई बार के पार्षद हैं और तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन चंदेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव की सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर में हम हैं और बाबा महाकाल की नगरी है, तो पहला सवाल हम संवर पटेल से करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। संवर जी, चुनाव की तैयारी है, बगल के शहर में बड़ा बम फूटा, सबने देखा, उज्जैन को आप कहां देखते हैं? देखिए सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बाबा महाकाल की नगरी में आपका, आपकी पूरी टीम का अभिनंदन। आतंकवाद मुक्त देश है, जब भ्रष्टाचार मुक्त देश है और जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश चमक रहा है, तो इस ये जो घटना घटी है ये स्वाभाविक घटना है। आज न केवल इंदौर में ये हुआ है, पूरे देश भर में आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उनके अपमान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहने वाला है। आप अपमान की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस चीज का जिक्र करते हैं। रवि जी, आपने संवर जी को सुना है, कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात है, कांग्रेस में क्या मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं? आप ये बताइए, आपने कहा एक बम फूटा है इंदौर में, ये देखिए जो व्यक्ति सुबह 9 बजे तक कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ जनसंपर्क करता है, उसने जब नॉमिनेशन दिया है उसमें लिखा है कि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, एक एफिडेविट देता है, शपथ पत्र देता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, पर 2 घंटे के अंदर ऐसी क्या स्थिति बनी कि रमेश मेंदोला जी उसको गाड़ी में बिठा करके उसके कलेक्टर के वहां पर जाकर के उसका फॉर्म वापिस कराते। ये जो बात कर रहे हैं ना कि देश चमक रहा है, देश बढ़ रहा है, ऐसा ही देश अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2003-2004 के समय, उस समय भी पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था कि इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है, भारत का उदय हुआ है। अरे भारत का उदय भाइयों, आप लोगों की पार्टी तो अभी 20-25-30 साल में बनी है, भारत का उदय तो त्रेता युग में था, भारत का उदय तो सतयुग में हो गया था, भारत का उदय तो द्वापर में हुआ था। आप अभी कलयुग के साथी लोगों, अभी 10-20 साल में आपने क्या उदय कर दिया है? जो किया है गांधी और नेहरू की विचारधारा ने किया है, गांधी और नेहरू की विचारधारा उनकी नीतियों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक देश को पूरे विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने का काम किया है। एक सवाल और है, आपने बीजेपी कांग्रेस को सुना है, इस वक्त हम एक निष्पक्ष राय पत्रकार अर्जुन चंदेल जी की लेते हैं। आपने दोनों को सुना है, ये कह रहे हैं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है, ये कह रहे हैं पहले से सब अच्छा था। पहले तो मैं न्यूज 18 के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आज फिर उज्जैन के लिए एक बार और फिर गर्व की बात है कि जो आज एंकरिंग का काम कर रहे हैं सुधीर मेरे अनुज, वो पढ़े लिखे यहीं पर उज्जैन में, ये काफी लंबा समय उनका उज्जैन में बीता, माधव कॉलेज के स्टूडेंट रहे, तो पूरे हमारे उज्जैन शहर के लिए गर्व की बात है। जहां तक राजनीतिक दलों का बात है, निश्चित तौर से चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय, चुनावी हवा चल रही, चुनावी तूफान है, तो अपने अपने दल, राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करेंगे। भारत का तो सन 1947 के बाद प्रगति के पथ पर चल रहा है और कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी सरकार आए, उनका काम है विकास करना और ये विकास की गति निरंतर रहेगी चाहे कोई भी सरकार हो। उज्जैन की प्रबुद्ध जनता यहाँ पर बैठी है, हम उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन आंधी तूफान के बीच अभी जो बात हो रही थी महाराज जी, चुनाव का मौका चल रहा है, धर्म की बात होती है, राजनीति में धर्म को आप कितना जरूरी मानते हैं? आपको लगता है कि धर्म का कोई असर होता है सियासत में? धर्म के साथ अगर हम राजनीति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे,
तो सुचारू रूप से देश जो है इस शुद्धता इसके अंदर आएगी और मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे उज्जैन में जनता का भाव बाबा महाकाल की प्रति है और नित्य लोग महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से बने और बन रही है और आने वाले समय में और अच्छी बनेगी, ये मेरा मेरे को विश्वास है। देखिए, लगातार जो चर्चाएं हो रही है वो धर्म के सर की चर्चा होती है, समुदाय की चर्चा होती है, वोट की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा आपने डाल के रखा है, दोनों चारों लोगों को आपने सुना है, क्या आपको लगता है चुनाव किधर जाएगा उज्जैन का? चुनाव निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जा रहा है, भाजपा की पूरे शहर में हवा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास किया है। और विकास आप देखिए, आप आए होंगे तो सड़कें चारों ओर फोर लेन दिखी कि नहीं दिखी आपको, पुल बने कि नहीं बने, अस्पताल अच्छे बन रहे कि नहीं बन रहे, स्पेशल वार्ड बन रहे, नए नए निर्माण हो रहे हैं, नित नए निर्माण, महाकाल लोक के पास रोजगार बढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इतने उद्योग खोले कि प्रतिभा सिंथेटिक्स, अमूल जैसे कई प्लांट हमारे यहाँ आ रहे हैं और इसमें 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार अभी मिल रहा है आने वाले समय में। तो कुछ और लोगों से पूछते हैं कि विकास की बात कर रहे थे बीजेपी से, आपको क्या लगता है कि विकास की क्या बयार बह रही है मध्य प्रदेश में, खासतौर से लोकसभा चुनाव होना है उज्जैन में, आप क्या देखते हो? देखो, ऐसा है कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। जब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है उसने डेवलपमेंट किया है। लोकसभा की अगर बात करते हैं चुनाव की, तो हमारे पास एक ऐसा चेहरा अनिल फिरोजिया जो कि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैं पक्ष की बात नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, कई हॉस्पिटल के लिए बनवाए, उसके बाद में उन्होंने जो बीमारी सहायता है गरीबों के लिए वो चालू करवाई। और मैं कांग्रेस वाले से ये पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री का चेहरा है कौन? देखिए, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं, आमतौर पर सब लोग जानना चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम पूछते हैं, आप कहाँ से हैं? उज्जैन से। क्या करते हैं आप? पावर लूम फैक्ट्री है, राजेश गर्ग नाम है। राजेश जी, अभी आपने सब लोगों को सुना होगा विकास की रफ्तार बह रही है, अनिल फिरोजिया जी सांसद है आपके यहाँ से, उनका जितना वजन कम होता है उतना विकास बढ़ता है। हाँ, उनको नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 1 किलो वजन कम करो तो मैं 1,000 करोड़ दूंगा, तो उस प्रकार उन्होंने 40 किलो वजन कम करा था। और निश्चित रूप से चारों तरफ प्रयास करते रहते हैं, आगर रोड फोर लेन है और जो औद्योगिक क्षेत्र है इसके लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। और चूंकि ये वोट उज्जैन के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी है। आज हमने देखा है कि पहले हम 15-26 जनवरी पे जारी होता था कि भैया कोई भी अनजान वस्तु को हाथ में लगाए बम हो सकता है, इन सब चीजों से छुटकारा मिला है। दो बार पड़ोसी सुरक्षा का मतलब भरोसा बढ़ा है, सुरक्षा का भरोसा से बड़ा है। और जो सब जगह टूरिस्ट क्षेत्र है, इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में भीड़ हो रही है, तो सुरक्षा का भाव लोगों में बढ़ा है, इसलिए बढ़ रहा है। कुछ और लोगों के पास जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, फ्रंट लाइन हो गई है, पीछे के लाइन में बैठे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या आपका नाम? प्रमोद भट्ट। बीजेपी का दुपट्टा डालकर आए, अभी आपने सुना है उद्योगों की बात हो रही है, उद्योगों को लेकर उज्जैन की क्या स्थिति? उद्योगों को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है, जब से हमारे मोहन यादव जी जो कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहीं के विधायक है उज्जैन दक्षिण के, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है विकास की बहुत गंगा बही उज्जैन शहर में। आप चारों तरफ देखेंगे उद्योगों को भी वो ला रहे हैं। हमारे यहाँ कई डिबेट हो चुकी है उद्योगों को लेकर के, कई उद्योगपति हमारे उज्जैन शहर में आए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर यहाँ पर पधारे और उन्होंने कई उद्योग डालने का अपने यहाँ पर उज्जैन शहर में भगवान महाकाल की नगरी में उन्होंने आश्वासन दिया है और कई जगह काम भी चालू हो चुके हैं। 3-4 फैक्ट्री हमारे डल चुकी है और कई उद्योगों को अभी आने का हमारा प्रबल संभावना है और उससे यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे यहाँ कम से कम उज्जैन शहर में तो बहुत रोजगार बढ़ेगा। देखिए, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महिला यहाँ पर मौजूद है, उनके पास उनसे हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम आपका? अंजू जाटवा। आप सुन रहे हैं लगातार, आपने बीजेपी के लोगों को सुना, वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, महाराज जी को सुना है, उज्जैन को लेकर अभी विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप क्या देखते हो उज्जैन? उज्जैन में विकास देखो तो चारों तरफ सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई है, टाटा का काम कब से चल रहा था लेकिन वो तक भी चल रहा है। शिप्रा देखो, गंदे नालियों का पानी शिप्रा में आज भी मिला हुआ है, यातायात सुविधा पूरी तरह से ध्वस्त है, महाकाल लोक जब से बना हुआ है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लोग लगातार कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? दबाव में जा रहे हैं। किस तरह के ईडी ने अलग अलग तरह के जो छापे पड़ रहे हैं उनको किसी तरह के प्रेशराइज करके ले जाया जा रहा है। एक सवाल, चूंकि
आपको मैं किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं देख रहा हूँ, मैं एक महिला के तौर पर देख रहा हूँ। और एक महिला के तौर पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता महिलाओं को लेकर जो बयान देते हैं, हाल ही में आपने सुने होंगे, एक स्वतंत्र महिला के रूप में क्या विचार आप रखते हैं? ये कांग्रेस के लोगों के मुंह से ही नहीं निकलता, बीजेपी के लोगों के मुंह से भी निकलता, उनके नेताओं के मुंह से। लेकिन बीजेपी मुद्दा बना लेती है, कांग्रेस मुद्दा क्यों नहीं बना पाती? वो अपने लोगों को हमेशा बजाते हैं। ब्रजभूषण उनके सांसद थे, प्रज्वल रेवन्ना जिसने 2700 महिलाओं के साथ रेप किया है, उनके वीडियो बनाए, उस पर बीजेपी क्यों चुप है? उस पर मोदी जी नारी सम्मान की बातें क्यों नहीं करते हैं? आज नारी सुरक्षित नहीं है, इनकी एक की जबान नहीं खुलेगी। प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी क्यों भगा दिया गया? 2700 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2700 महिलाओं के वीडियो बरामद हुए है, उस पर बीजेपी क्यों चुप है? देखिए बहुत बड़ा सवाल है, जवाब इसका हम चाहते हैं सनवर पटेल ने, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी और उज्जैन के बड़े नेता के तौर पर। नारी का अपमान हुआ है, माता बहनों का अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव विरोध किया है और कानून ने अपना काम किया है। ये राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून के तहत अपना काम करती है। मेरे विद्वान साथी ने कहा, सम्माननीय रवि राय जी ने, उन्होंने कहा कि सारा विकास तो कांग्रेस के जमाने का है। किस प्रकार का विकास कांग्रेस के जमाने का है? उज्जैन वासी जानते हैं कि जब हम उज्जैन में आते थे तो रोडें कैसी थी, पूरे मध्य प्रदेश के रोडों के हाल क्या थे, गड्ढे हैं रोड में या रोड में गड्ढा है, ये हम सब जानते हैं कि क्या हाल थे। बिजली के क्या हाल थे, बिजली आती है कि जाती है पता ही नहीं चलता था। और पानी के क्या हाल थे, क्या सिंचाई थी, तक मैं आंकड़ों के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं और भी उनकी बातें बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सारा विकास उस समय का है। अरे आपके समय के जिन्होंने, आपने प्रधानमंत्री जी का नाम गिनाया है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक रुपया पहुंचाता हूं, मात्र 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। 15,000 इंदिरा आवास में पहुंचाते थे मकान बनाने के लिए तो 2,000 रुपए पहुंचते थे, आज 2.5 लाख रुपए पहुंचते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 4 करोड़ आवास 2.5 लाख के पूरे देश में बनते हैं। रवि जी, आपसे सवाल करते हैं इसी बात पर, बहुत सारी चीजें कही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, आवास का मुद्दा आ रहा है, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि जो सड़कों की बात प्रवक्ता जी कर रहे हैं, ये टोल आधारित सड़कें हैं। जो अस्पतालों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उज्जैन के आज भी अभी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर कोई भगवान नहीं करे कोई 10-20 लोग यहां घायल हो जाए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे वहां पर। और उसमें से आधे लोगों को, चूंकि अब आप तो भाई साहब ने बताया मेरे को कि आप उज्जैन के शिक्षित है, उज्जैन में ही आपने अध्ययन किया है, आपको वास्तविक स्थिति मालूम होगी यहाँ की। आज भी वो जिला चिकित्सालय जो संभाग स्तर का हॉस्पिटल है, इस 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया है उसके अंदर? और आज भी अगर कोई घायल हो जाएगा, आधे से ज्यादा केस या तो प्राइवेट हॉस्पिटल भेजे जाते हैं या उनको इंदौर रेफर करना पड़ता है। ये स्वास्थ्य सुविधा आपकी, ये सड़कों की परिवहन की व्यवस्था है आपकी, क्या है आपकी यातायात व्यवस्था, ये देखिए चारों तरफ, ये कोई विकास होता है ऐसा? और अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे काम बाकी है। क्यों काम बाकी भाई, चुनाव का टाइम काम बाकी है? इस उज्जैन शहर को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भाई यहाँ पर बैठे तो मुझे लग रहा था इनको देख के कि ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मधुकर राव यादव। आपने अभी सुना था कांग्रेस के साथी बीजेपी का दुपट्टा आपने डाला हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, सड़कों की स्थिति, अस्पताल की स्थिति पे है, एक नागरिक के तौर पर आप क्या देखते हैं? मैं नाम लेना चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी का, मैंने उनका कार्यकाल देखा है और उस समय जैसे भाई साहब ने अभी फरमाया कि हम गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे, ना सड़क होती थी, ना पानी मिलता था, ना लाइट मिलती थी, लाइट जाती थी तो आने के पते नहीं रहते थे, परिवहन की व्यवस्था इतनी गंदी रहती थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। और सरकारी अस्पतालों की, जैसे भाई साहब ने अभी फरमाया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अभी खराब है, नहीं, पहले से काफी अच्छी है। अभी हम सरकारी अस्पताल माधव नगर में भी बनाए, चरक हॉस्पिटल हमने बनाए, ये वाले हॉस्पिटल की भी व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हैं। और पहले भी रेफर किया जाता था, केस जब बिगड़ जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या इंदौर में पहले भी रेफर किया जाता था, आज के ये कोई नई बात नहीं है रेफर करना। तो पहले मतलब इस 20 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है वो पहले कभी नहीं मिला है। देखिए जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो पहले कभी नहीं मिला, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, आपका क्या विचार कहते हैं, सुन रहे सब लोगों को? मेरा नाम लाखन है। मेरा ये विचार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश बहुत अग्रणी हो रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ, किसी पार्टी के सदस्य हैं आप? जी बिल्कुल, भाजपा का जी हाँ। और यहाँ वर्तमान में जो हमारे
सांसद है अनिल फिरोजिया जी, मैं बता दूं आपको कि हम कार्यकर्ता जो है 365 दिन 24/7 उनके लिए मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास तो इतना क्षमता है कहने के लिए कि 5 लाख वोटों से हम क्या बहुत बड़ा दावा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। पिछली बार की जीत थी, अभी आवाज आ रही थी संवर भाई आपके पास भी आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद भाई को रात में सपने सताते हैं, 5 लाख और 7 लाख दिख रहे हैं। भैया धरातल पे माननीय महोदय ने क्या काम किया, शहर की जनता 13 तारीख को वोट के रूप में आपको दिखा देगी। ये भी सुन लो आप, ये 5 और 7 के आंकड़े पे ना जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं, यही घंटाघर पे डिबेट हो रही है। इसी घंटाघर पे अभी 1 घंटे तक लाइट नहीं थी, ये भाई से आदरणीय भाई साहब इस चीज के गवाह है। सुन लो, लाइट नहीं थी यहाँ, यह लेट प्रोग्राम चालू हुआ। लेकिन लाइट की वजह तो बता रही कि आंधी तूफान था इसलिए लाइट बंद कर दी। नहीं तो आंधी तूफान में भी देखो उज्जैन में कितने घंटे लाइट होती है। ऊपर वाले का कह रहे है तो सुनो। हाँ सुनिए, ऊपर वाले का कह रहे कि आंधी तूफान वाला मामला, वोटिंग के दिन भी आ रहा आंधी तूफान वाला मामला। आदरणीय मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सुनना मेरी बात। हाँ सुनो, पर सुनो, उन्होंने वजन बढ़ाया और वजन घटाया बस, और ये वजन बढ़ता कैसे और घटता कैसे आप ये उज्जैन शहर की जनता अच्छी तरीके से जानती है। आई नहीं समझ में, ले और दे। उद्योगों की बात होती है, उद्योगों के लेवल पर उज्जैन को आप कहाँ देख रहे हैं, फिर से आप चुनाव के मुहाने पर खड़े? देखिए उद्योगों के लेवल पर सिर्फ उज्जैन ही नहीं, पूरा देश तरक्की कर रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव जी के आने के बाद तो उज्जैन स्पेशली उज्जैन के विकास को पंख लग गए। मैं भाई साहब ने जो बात करी थी वजन बढ़ाने और घटाने की, मैं जानता हूं कि वजन कितनी मुश्किल से घटता है। जब ऐसा सांसद हमें मिल जाए जो सिर्फ एक उज्जैन के विकास के लिए अगर कोई मंत्री उनसे वादा कर दे, शरीर का विकास रोक के शहर का विकास करे और उसके लिए 40 किलो वजन घटा ले, तो ऐसा सांसद तो निश्चित रूप से हमें पुनः लेके आना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछते, आपने अभी सुना होगा कि सांसद जी को फिर से लेकर आना चाहिए, बहुत काम हुआ है, वजन अगर घटाया तो शहर के लिए घटाया। देखिए आप कंपैरिजन करेंगे, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ पर एक आम नागरिक भी हूँ। मैं महाकाल लोक की बात करता हूँ कि महाकाल से हम गौरवान्वित है और केंद्र है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट आज तक भी महाकाल के लिए स्थायी क्यों नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में? आज भी क्यों अव्यवस्था हो जाती है? जनता उस गेट से जाएगी, इस गेट से जाएगी, आपके पास स्थायी हल अगर महाकाल का नहीं है तो आप महाकाल लोक बना गौरवान्वित है लेकिन उसका भ्रष्टाचार भी उजागर है, इसका जवाब कैसे देंगे लोग? तो कहीं ना कहीं महाकाल को लेकर स्थायी जब तक हल नहीं होगा, उज्जैन का केंद्र बिंदु है और जो यहाँ की मुद्दों से जो भटकाया जा रहा है, बात करने की बात है, शिक्षा पे बात करो आप, आपकी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, सिविल हॉस्पिटल में बहुत दयनीय हालत है, मतलब वहाँ पे वॉशरूम अगर देख लिया जाए तो आदमी बेहोश होकर गिर जाए, ये हालत जनता की है। आप बात कर रहे हैं, आप सुंदरता लाइट तो दिखा देंगे लेकिन धरातल पे क्या है? देखिए सनवर जी, अभी आपने कहा था अस्पताल की बात हुई थी, आपने कहा था यहीं से सवाल हुआ था अस्पताल को लेकर भी, आपने जवाब क्यों वो जताई थी बताइए, अस्पताल का सवाल उज्जैन के निवासी आप हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या जवाब आपके पास है इन सवालों का? सुधीर जी सावन के अंधे तो सुने थे लेकिन 2003 के अंधे नहीं सुने थे। 2003 की दुर्व्यवस्था, 2003 की अस्पतालों की बदबू, 2003 की अव्यवस्थाओं को ये आज तक देख रहे हैं। अरे आज मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन चरक अस्पताल इनको नहीं दिखता? आज चरक जैसा हॉस्पिटल हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, आज माधव नगर हॉस्पिटल हमारे पास है, आज कोविड के दौरान पूरी एक एक तहसील के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट बने वो हमारे पास है, रिकॉर्ड है हमारे पास। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आम आदमी का जिस तरह से इलाज हो रहा है आज वो इनको दिख नहीं रहा है। बिजली की बात की मेरे पूर्व विद्वान साथी ने, वो भी 2003 की बात कर रहे हैं। अरे आज बिजली क्या है, 2003 की बिजली थी मात्र 3000 मेगावाट बिजली, और बिजली आती थी कि जाती थी पता ही नहीं चलता था। 2 फीस से किसान भाई बैठे हैं, 2 फीस से 3 फीस बनाकर मोटर चालू करते थे पानी की, और आज 35,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली है। हम गौरवान्वित होते हैं कि दिल्ली की मेट्रो अगर चल रही है उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश की एक्सिस बिजली का योगदान है। बहुत सारे सवाल थे, शिक्षा की हो गई, अस्पताल की बात हो गई। महाराज जी उज्जैन में आप लंबे समय से हैं, क्षिप्रा शुद्धिकरण की बात होती है, अभी हमारे एक साथी ने सवाल उठाया यहाँ से
क्या संतुष्ट है आप धर्मस्थल की बात करते हैं महाकाल में भीड़ नहीं संभाल पा रही है सरकार, ये सवाल एक साथी ने किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मोक्षदायिनी माँ शिप्रा भी शुद्ध होगी, महाकाल की व्यवस्था भी अच्छी होगी और पूरे उज्जैन का ही नहीं प्रदेश का विकास होगा, ऐसी मेरे को आशा है। देखिए अर्जुन चंदेल जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत सालों से बहुत करीब से उज्जैन को बनते सवरते इन्होंने देखा है। आप अपने अनुमान के मुताबिक जितने समय से आपने उज्जैन को देखा, सभी साथियों को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सुना, महाराज जी को आपने सुना है, किस स्तर पर उज्जैन को आप पा रहे हैं? उज्जैन काफी लंबे समय से कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विकास के साथ समस्याएं भी हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है। एक निष्पक्ष नागरिक, एक मतदाता और एक पत्रकार होने के नाते मैं कुछ मुद्दों पर प्रशासन शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज ये समाचार पत्रों में छपा है, यहां पर एक ओवरब्रिज बन रहा है उज्जैन बड़नगर रोड पर। सुधीर भाई, पिछले सिंगल 2016 से उसका काम चालू हुआ था, उसे 4 साल में बन जाना था, पर दुर्भाग्यवश वो मोहनपुरा का ओवरब्रिज आज भी अधूरा है। 2024 से हम गुजर रहे हैं और आधा 2024 गुजर चुका है। सामने जो ठाकुर शिव प्रताप सिंह ओवरब्रिज दिख रहा है सुधीर भाई, इसकी डिजाइन कई बार भोपाल गई पर लाल फीताशाही का शिकार होकर न जाने कहां दफन हो गई, पता नहीं पड़ा। इस ब्रिज का जो हमारी लागत थी वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए बढ़ गई है पिछली बार। इन चीजों की उज्जैन के आदमी को बहुत पीड़ा, एक नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत तकलीफ। इन अधूरे काम की तरफ भी शासन प्रशासन को ध्यान देना। ओवरब्रिज की बात भी होती है, यहाँ पर ट्रैफिक की भी बात होती है। एक और यहाँ पर महोदय, उनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश विजयवर्गीय है और मैं बीजेपी और कांग्रेस से हट के कुछ बात करना चाहता हूँ। बताइए। मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से देखता हूँ कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, मैं इसको बंद करवा कर, अगर आपको फ्री बांटना है, स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज फ्री कर दो, आम जनता बहुत सुखी हो जाएगी। आप सब चीज फ्री दे रहे हैं, आप लोग बोलते बाजार में बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों नहीं बढ़ेगी? मकान फ्री, पानी फ्री, लाइट फ्री, पैसा फ्री, बाप दे खाने को तो काय को जाए कमाने को, ये स्थिति हो गई है। तो कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी इन चीजों पे कि क्यों फ्री बांटा जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ फ्री बांटने। आज फ्री आपको क्या लगता है क्यों राजनीतिक दल इतनी सारी चीजों के लालच देते कि फ्री ये देंगे फ्री वो देंगे? केवल वोटों के लिए। असर दिखता है उसके बाद कुछ? स्वाभाविक है सर, किसी को कोई भी फ्री मिलेगी तो उसकी तरफ आकर्षित होगा। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों के बीच में अगर फ्री की बात होती है और जब फ्री चीजें दी जाती है तो उन्होंने जैसे बात बताई, बाप दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को, क्या लगता है फ्रीबीज का असर आपको लगता है? और क्या आप कहना चाहेंगे उन पार्टियों से जो फ्री की चीजें कह के या धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर बांटने की बात करती है और फिर वोट लेने आपके पास आती है? आदरणीय अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पार्टियों को जो है फ्री शिक्षा, फ्री हॉस्पिटल जो देना चाहिए। मैं आदरणीय अंकल जी से बोलना चाहता हूं कि आपको शायद मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है आयुष्मान कार्ड के रूप में आप सब और हम सबको दिया है। उसका उदाहरण है कि मेरे छोटा भाई जिसको पैर के अंदर उसका जो पैर चेंज हुआ था, उसका हड्डी का जो है उसके चेंज हुआ हड्डी का, उसका 1.25 लाख रुपए अगर मैं कहीं लगाता तो 1.25 लाख रुपए मुझे मेरे जेब से लगाने पड़ते, लेकिन आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज फ्री में हुआ। ये स्वास्थ्य जो है फ्री में देने का काम करा। शिक्षा की बात में अगर मैं करूं तो आप देखिए आज भी जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर उनको जो है फ्री में शिक्षा दी जा रही है आरटीई के तहत। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे हम लोग, रवि जी आयुष्मान योजना की बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। आखिर ये बता दे, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से बैठे हैं, ये बता दे कि आयुष्मान कार्ड 140 करोड़ लोगों के में से कितने लोगों के पास है? केवल 8 या 10% लोगों के पास है। उसमें भी विसंगति देखिए आप कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हस्ताक्षर नहीं मिलते, अंगूठे के निशान गायब है, तो उनका इलाज तो हो नहीं रहा है। मैं कल से एक महिला के लिए जो अवंती हॉस्पिटल में एडमिट है, कल परसों से परेशान हूं मैं इस बात के लिए कि उसको हार्ट का दौरा पड़ा है, 30,000 रुपए सब लोगों ने मिलकर जमा करा दिए, उनके परिवार के लोगों ने जमा कराए, पर वो ब्यूरोमेटिक जो चिन्ह है वो नहीं आ पा रहे। ये सारी व्यवस्थाएं सरकारों को हटाना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और अगर मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने देश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी है,
तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं है? इस देश में 80 करोड़ लोग को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में भाई क्या घर चल जाता है? क्या उसको प्रति व्यक्ति तो ये देश कहाँ चला गया? 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर डिपेंड है, ये विकसित भारत है। और जहां सड़कों की बात करते हो, हर 30 किलोमीटर पे 50 रुपए 100 रुपए का टैक्स लगता है। ये अभी लाइट नहीं थी ना एक घंटे से, आप भी परेशान थे। ये भाजपा के नेताजी ने अभी हाथ जोड़े किसी अधिकारी को बोला, ए लाइट चालू कर। और सुनिए, ये विकास कैमरा उठाइए, ये घड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी का राज देखिए ना, क्या चल रही है, कब से बंद है ये देखिए आप, एक महीने से बंद है, एक महीना, लेकिन इस वक्त चल रही है, एक महीने से बंद है, अभी चल रही है। देखिए घड़ी का जो टाइम था, समय की बात होती है, समय समय की बात होती है, घड़ी की अभी बात हो रही थी, कुछ लोग घड़ी दिखा रहे थे। सनवर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? विद्वान साथी ने कहा कि मात्र 10% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उज्जैन के वो नेता हैं, चार चार पांच पांच बार उज्जैन की जनता ने उनको नगर निगम में पहुंचाया है। वो उज्जैन का आंकड़ा मैं उनको याद दिला देता हूं, 12,99,412 आयुष्मान कार्ड सिर्फ उज्जैन में बने हैं। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और हमारे विद्वान साथी सम्माननीय चंदेल साहब ने कहा कि ब्रिज नहीं बन पा रहे। हाँ, हमने वो दौर देखा है जब ब्रिज नहीं बन पाते थे, जब कांग्रेस के शासन में एक ब्रिज 10-10 साल में बनता था, 20-20 साल में बनता था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पिछले सीएस में एक साल में 14 ब्रिज बनकर तैयार हुए हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी, हम गौरवान्वित हैं उज्जैन वासी कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन से हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और 5 माह हो गए, एक दिन आराम नहीं किया, रात दिन काम कर रहे हैं। 457 जो हमारे घोषणा पत्र में योजनाएं थी, हमने जो घोषणाएं की थी उसमें से 130 पूरी कर चुके हैं। अब उज्जैन आगे और तेज गति से बढ़ा है। 20 साल में जो बीमारू प्रदेश आपने छोड़ा था, वो विकसित प्रदेश शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और अब मोहन जी ने संकल्प लिया है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का, आपके और हमारे सामने। एक सवाल यहाँ से आ रहा है आपके किसी आंकड़े पर, आदरणीय सनवर पटेल जी, उज्जैन शहर की पॉपुलेशन कितनी है? आप बोल रहे हो 12 लाख जनता को लाभ मिल रहा है, तो शहर की पॉपुलेशन बता दो आप। आपने उज्जैन शहर बोला, आपने उज्जैन शहर बोला, आदरणीय आपने उज्जैन शहर बोला। हाँ, मेरी बात सुनिए आप। नहीं नहीं, जल्दी 12 लाख लोगों को लाभ कैसे दोगे आप? और सुनो, नहीं, उज्जैन का सर्वे करा लो आप, उज्जैन का सर्वे करा लो, गली मोहल्ला का सर्वे करा लो आप। कितने लोगों को लाभ मिला आयुष्मान कार्ड का? नहीं नहीं मिला, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ताकत से बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो आप। देखिए आरटीआई सबके पास है जानकारी लेने के लिए। एक बुजुर्ग यहाँ पर है जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे हम जानते हैं। आप कुछ मत करिए, हर वार्ड में जाइए और घर घर जाके आप सर्वे करा लीजिए। हर घर में हमारा लाभार्थी है, हर घर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, आपको हर घर में लाभार्थी मिलेगा। आप क्या सुन रहे हो? सबको सुना आपने, क्या रहा आपकी? न केवल देश के नागरिक लाभार्थी है, बल्कि पूरे विश्व में भी हमने वैक्सीन लगाने का काम किया है तो भारत ही क्या, पूरे विश्व के। और ये कांग्रेस ही कहते थे कि मोदी वैक्सीन ने लगाई है, लेकिन चुपके से जाते थे। रही बात आयुष्मान कार्ड की, तो रवि राय साहब ने इस बात को आपके मंच से स्वीकार किया है कि 80 करोड़ जनता के राशन की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 60 साल से देवासगढ़ बस स्टैंड जो है, ये कांग्रेसियों का अड्डा बना हुआ है। ये बस स्टैंड हटना चाहिए, जनता बहुत परेशान है इससे। तो बस स्टैंड तो सबका होता है, बस स्टैंड ये बस स्टैंड की प्राइवेट बसें चलती हैं और जनता बहुत परेशान है। ट्रैफिक जाम है भारत उज्जैन का ट्रैफिक जाम है, यातायात जाम है, क्यों नहीं यातायात जाम है उज्जैन का। ये बस स्टैंड तत्काल देवास गेट बस स्टैंड हटना चाहिए, जनता बहुत। देखिए समय की सीमा है हमारे पास, समय का अतिक्रमण नहीं कर सकते, समय की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हमको सम्मान करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप सबको सुन रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी है लेकिन बड़े बड़े आरोप भी है। क्या आप देखते हो उज्जैन में? मैं वार्ड में पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में। क्या शुभ नाम आपका? जितेंद्र कुवाल।
मेरा एस सी का वार्ड है, मेरे एस सी वार्ड में 80% मकान चद्दे के मकान थे। आज आप जाके देखो एक ही मकान चद्दे का नहीं, पूरे मकान पक्के बन गए। ये मोदी सरकार है, ये मोदी राज है। देखिए मकान, अस्पताल, शिक्षा सबकी बात हो रही है यहाँ पर, लोग दावे कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। जनता है उज्जैन की, बाबा महाकाल की अनन्य भक्त है। जब महाकाल के दर पे जाते हैं तो न कांग्रेस होती है न भाजपा होती है, सिर्फ एक महाकाल भक्त होता है। यहाँ पर एक और भाई साहब जी बताइए। राजीव गांधी जी ने लाल किले से बोला था कि मैं पूरे देश में एक रुपया भेजता हूँ तो लोगों के पास में सिर्फ 15 पैसे ही पहुँचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। दूसरी बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जो चालू घड़ी बंद दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका तो टाइम ही खराब है। कांग्रेस इस देश से बची कहाँ है? देखिए कांग्रेस की बात चल रही है, घड़ी की बात कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, 4 दिन पहले यही डिबेट थी, पिछले 1 महीने से 1 घंटा करके घड़ी बंद पड़ी है। जब सुना 1 महीने से यहाँ 4 दिन पहले डिबेट थी, 4 दिन पहले डिबेट थी यहाँ पे, और हमने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया था और हमने ये यहाँ डिबेट में हमने बोला था कि इस घड़ी को देखिए, उज्जैन शहर का समय अगर किसी ने खराब किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खराब किया। यानी कि आपके आपत्ति जताने के बाद घड़ी चालू हुई? यस, हमने आपत्ति ली और फिर बाद में घड़ी चालू हुई है। कांग्रेस ने आपत्ति लेने के बाद घड़ी चालू हुई है और आप लोग घड़ी शुरू होने का श्रेय आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों से हम जानते हैं, बताइए। इसका मतलब विपक्ष अच्छा है, उनको विपक्ष में रहना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष जब मजबूत होता है तो जनता के मुद्दे भी उठते हैं और सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मध्य प्रदेश में न्यूज 18 का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और फिर अगले पड़ाव पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।